अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस, मैं हूं शेख जब्बार जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद सलाह रब्बुल इज्जत की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? 4 से 10 जुलाई का ये वीकली हॉरोस्कोप है। और सजिटेरियस, उम्मीद करता हूं कि आपने अपना मंथली हॉरोस्कोप भी देख लिया होगा। हमारे दूसरे चैनल रजा जावा पे जो है वो मंथली हॉरोस्कोप लगे हुए हैं। और जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि ये जनरल है, जितना मैं आपको बताता हूँ ये जनरल है। इसमें कमी बेशी जो है वो आपके इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से आती है। और इंडिविजुअल चार्ट के लिए इस वक्त आपके लिए ऑफर मौजूद है। डिस्काउंट ऑफर जो है वो हमारे चैनल पे चल रही है, जो कि 3 जुलाई तक वैलिड है। आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना जायचा बनवाना चाहें तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक जो प्रोग्राम स्टार्ट किया सवाल आपके, उसमें पार्टिसिपेशन डिजर्विंग पर्सन के लिए है, तो उसके लिए आप अपना एक सवाल कोई भी जो है इसी वीडियो के नीचे अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के साथ एक मुख्तसर सवाल जो लिख सकते हैं। सिर्फ उन लोगों के कमेंट्स जो है वो सवाल शामिल किए जाते हैं जिनके पार्टिकुलर जो है वो पूरे होते हैं। आज की वीडियो को आगाज करता हूं मैं। 2-3 इवेंट्स बहुत अच्छे हैं। एक तो शफे कमर है जो कि आपके जायचे के छठे घर में है, ये कुछ आपके लिए मिले जुले असरात जो है वो लेके आएगा। सबसे पहले तो बताऊं कि ये 3 जो है वो जुलाई को है, और ये वीडियो उससे पहले आपके पास आ जाएगी। इसके ऊपर एक अलग वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुका हूं, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। दुआओं की कबूलियत का खास वक्त और खास अमल, तकरीबन 2 घंटे का टाइम खास आपके लिए निकाल के आपके लिए दिया गया है, जिसमें आप अमाल कर सकते हैं जो कि जायचा शफे कमर का जो जायचा होता है उसकी रोशनी में आपको बताया जाता है। 3 बहुत ही खास अमाल जो है उसमें आपको बता चुका हूं मैं, सो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये शफे कमर आपके जायचे के छठे घर में होगा, सो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। आपके जहनी दबाव में जो है वो कमी लेके आएगा। इसी तरह आपके अगर सेहत के कोई मसाइल हैं तो उसका इंशाल्लाह खात्मा जो होगा, और बेहतर सर्वेंट्स जो है वो आपको मिल सकेंगे। आप अपनी एनिमीज, आप खैर एनिमीज को आप डिफीट तो करेंगे लेकिन आपकी एनिमीज बॉयल भी इस वक्त काफी ज्यादा होंगी। ये एक थोड़ा सा है, विरासती मामला में आपको कामयाबी होगी। और इसके अलावा जो आपके मुश्तरका माली मामला है उसमें भी परवरदिगार के फजल से आपको जो है वो बेहतरी मिल सकेगी। ये आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है 10 जुलाई को जो है वो मास आपके जायचे के 9वें घर में जो है ये औज में आएगा। अब ये आपके 12वें घर का भी हाकिम है जो कि स्पिरिचुअलिज्म का है, और आप जो है प्रैक्टिकल में ना सिर्फ जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल को जर्नी कर सकेंगे बल्कि उसके अलावा भी आप जो स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जो है वो आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी। और इस वक्त कोई अमल शुरू करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में फंसे हुए थे तो उससे निकलने का भी आपको जो है वो रास्ता मिल सकेगा। मार्स यहाँ पे आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, स्पेशली कोई इमिग्रेशन के हवाले से, परमानेंट अगर आप पाकिस्तान से बाहर काम करना चाहते हैं तो उसके हवाले से आपको जो है बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो दे सकेगा। इसके अलावा अगर आपकी सुसाली जुकारम के साथ कोई क्रैशेस थे तो उसका इंशाल्लाह इंशाल्लाह खात्मा होगा। आपकी गुडलक में इजाफा होगा, और जिसको कहते हैं कि आप मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा बेहतर जान सकेंगे। एंड इस वक्त जो आपको ख्वाब आएंगे वो बहुत अहम होंगे, आपने इनके ऊपर फोकस करना है क्योंकि इन ख्वाब में आपको कुछ फ्यूचर के बारे में जो है वो फॉर्च्यून के बारे में आपको जो है वो जरूर बताया जाएगा। ये चीज आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगी। आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है, और इसके अलावा आप नॉलेज गेन करने की तरफ जाएंगे जो कि टेक्निकल भी हो सकता है, और इसी तरह आर्ट और फनून लतीफा के जो मामलात हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से मुतल्लिक मामलात हैं, इसमें आपको काफी ज्यादा जो है वो बेहतरी देखने को मिलेगी। आपका कोई बैरून मुल्क मुकीम, कोई दोस्त, कोई अजीज जो है वो आपके बैरून मुल्क सफर के लिए आपको जो है वो राह हमवार भी करके दे सकता है। इसके अलावा वीनस जो कि आपके
छठे घर का भी हाकिम है, आपके ग्यारहवें घर का भी हाकिम है, ये आपके जाहिर चक्कर नौवें घर में है। सुबर्ण मतलब जॉब के हवाले से भी आपको जो है वो बेहतरी जो है मिल सकती है। इसके बाद आपके आठवें घर में जो है सन मौजूद है, तो आठवें घर का जो सन है ये आपको जो है वो बहुत सारी मुश्किलात से बचने में जो है वो मदद देगा, लेकिन आपके जो स्पाउस है उनकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, स्पेशली आई ट्रबल्स जो है वो देखने के को आपके सामने आ सकती हैं। विरासती मामला आपके हक में इंशाल्लाह हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आपके कोई केसेस वगैरह चल रहे थे उसका फैसला भी आपके हक में होने की उम्मीद जो है वो बहुत ही ज्यादा की जा सकती है। ये आपके चूंकि नौवें घर का भी हाकिम है, सो सुशाली जो करप से व्यवस्था आपके जो मफादात हैं वो भी पूरे होने के इम्कान है, और अगर आपने कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आपको जो है मिल सकता है। सो ये टाइम आपके लिए बड़ा ही जो है वो जबरदस्त साबित हो सकता है। इसको मजीद बेहतर करने के लिए आप अपने आदमी की येलो सफायर पहने, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में भी और अपनी मंत्री भी ने बताया कि जुपिटर सैटर्न दोनों अब जो है ये रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। अब कुछ चीजों के हवाले से आपको बहुत ज्यादा संजीदा रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। उसमें आपका फाइनेंस है, आपका बहन भाई जुकार के साथ तल्लुकात है, आपकी प्लानिंग्स है, नजदीकी सफर, हमसायों से आपके तल्लुकात है और बहन भाइयों से रिलेशनशिप, स्पेशली आपको कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो होना पड़ेगा अब। और चौथे घर में जुपिटर क्योंकि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है और ये सारा महीना चौथे घर में ही इसने रेट्रोग्रेड करना है, सो प्रॉपर्टी या सवारी की जगह की तब्दीली आपके सामने आ सकती है जो कि आपके लिए बेहतर नहीं होगी। इस वक्त में प्रॉपर्टी सेल करना किसी तौर भी मुनासिब जो है वो नहीं होगा। जैसे कि मैं अब पिछली वीडियोस में बता रहा था आपको इसके रेट्रोग्रेड होने से पहले कि जी आपने अगर ये बहुत अच्छा टाइम है, आपने करना है 20 जून से पहले पहले इसको कर ले, लेकिन अब हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके। अब जुपिटर को रेट्रोग्रेड हुए तकरीबन 14-15 दिन जो है वो हो चुके हैं, अब ये अपने असरात देना आपको शुरू कर देगा। खानदान के किसी भी मजहबी पेरेंट्स वाले बंदे को आपने नहीं छेड़ना और कोशिश कीजिएगा कि आपकी उससे मुखालफत किसी तौर भी ना होने पाए। इस तरह आप बहुत सारे मामलात को अपने को खराब होने से जो है वो बचा लेंगे। जुपिटर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से, आपके स्टेटस से, आपकी माशी पोजीशन से तल्लुक रखता है, सो ये आपके लिए बेहद अहम होगा। आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के कभी इम्कान जो है वो मौजूद है। मार्स बहुत अच्छी पोजिशन में और सेवंथ हाउस में मरकरी भी मौजूद है। इस वक्त आपको ऐसे लाइफ पार्टनर्स मिल सकते हैं जो कि बहुत ही समझदार होंगे और आपकी गुडलक में इजाफे का इंशाल्लाह बाइस होंगे। इस वक्त अकद करना आपके लिए इस हवाले से तो काफी बेहतर जो है वो साबित होगा। इसके अलावा बेहतरीन जेमस्टोन आपके लिए येलो सफायर और ब्लू सफायर दोनों पत्थर आपके लिए बेहद अहम और जरूरी भी, चूंकि दोनों प्लैनेट्स जो है ये रेट्रोग्रेड हो चुके, सो ये एक समझ लीजिए कि एक किस्म का आर्टिफिशियल सोर्स है जो कि आप वेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं चेक करके बताते हैं जी आपकी बॉडी में एक विटामिन की कमी हो गई है, विटामिन सी, विटामिन डी, ए बी कोई भी, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर आपको वही विटामिन जो है वो देता ताकि आपकी बॉडी में उसकी कमी जो है वो पूरी हो जाए। तो यही जो है इसका मेथड है। सो आपके पहले चौथे घर का हाकिम, आपके दूसरे और तीसरे घर का हाकिम जोहल और जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड हैं, ये दोनों पत्थर आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। बेहतरीन जेम कलेक्शन के लिए आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.jawajam.com या व्हाट्सएप नंबर पर आप ज्वाइन करके तो अपने लिए बेहतरीन जम जो है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस मालूमात से मुस्तफीद होंगे, तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।